अनंत काल से इसी तरह खड़े हैं हिमाचल प्रदेश के शांत, सुंदर और जादुई पहाड़। अपने कंधों पर जैसे आसमान को उठाए हुए या हमारे पूर्वजों की तरह जागते हुए हमारी रक्षा करते हुए जीवन में धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं हमें ये पहाड़। कितना प्राचीन है इनका सौंदर्य, फिर भी हर बार नया और अछूता लगता है। इन पहाड़ों के कठोर चट्टानी सीने से पानी की धाराएं फूटती हैं, झरने बहते हैं, नदियां निकलती हैं, जंगल उगते हैं। इन नदियों की ही तरह यहां जिंदगी भी अनंत काल से धड़क रही है। इन पहाड़ों के सीने से मनुष्य ने रास्ते भी निकाले हैं ताकि जीवन की यात्रा चलती रहे। लेकिन यहाँ एक और पहाड़ भी है और वो है अभावों का पहाड़। पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ जितनी ही बड़ी हैं। पत्थरों का ये संसार जैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी में बस गया है। इन चेहरों पर जो झुर्रियां हैं उनमें हम पहाड़ों की परछाई देख सकते हैं। पुरुष दिन भर कठोर मेहनत करते हैं और महिलाएं दूर दूर से घास, पानी और लकड़ियां लाती हैं। वे ही गृहस्थी का केंद्र भी हैं और चूल्हों की आग को बचाए रखती हैं। गांव दूर दूर तक बसे हैं, इसलिए जीवन की कठिनाइयां और भी बढ़ जाती हैं। इन अभावों के साथ सदियों से चला आया है शिक्षा का अभाव। शिक्षा नहीं मिली तो जीवन नहीं बदला। लोगों में अपनी नियति को बदलने की इच्छा नहीं जागी। १९९१ में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इस जड़ता को तोड़ने की पहल की। साक्षरता मिशन का सपना था लोगों में ये एहसास जगाना कि पढ़ना लिखना उनका बुनियादी अधिकार है, उनकी जरूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान की ही तरह शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ पारा खड़ी नहीं है, बल्कि वो एक जागरूक समाज की रचना की शर्त है। साक्षरता मिशन का ये विश्वास और धीरज पहाड़ की ही तरह मजबूत था। इसी इरादे से साक्षरता की कठिन यात्रा शुरू हुई। हिमाचल स्वर्ग बनाना असा हिमाचल स्वर्ग बनाना तू मेरे सौगी चल पढ़ने ओ तू मेरे सौगी चल पढ़ने असा हिमाचल साक्षर बनाना असा हिमाचल साक्षर बनाना तू मेरे सौगी चल पढ़ने। साक्षरता की कठिन यात्रा दो स्तरों पर शुरू हुई, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के जरिए और सरकारी स्तर पर जिला प्रशासन के जरिए। हो तू मेरे सौगी चल पढ़ने हाँ तू मेरे सौगी चल पढ़ने आय
ये है हिमाचल प्रदेश का एक जिला सिरमौर। सिरमौर यानी सिर का मुकुट। साक्षरता के मामले में सिरमौर सचमुच ही सिरमौर साबित हुआ। यहाँ का जिम्मा भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने उठाया, जो स्वैच्छिक संगठन के तौर पर देश के विभिन्न इलाकों में जनसाधारण के बीच वैज्ञानिक चेतना पनपाने के लिए प्रसिद्ध रही है। उसका पहला काम था शिक्षा के पक्ष में वातावरण बनाना, और जो लोग पढ़ने लिखने को बेकार का काम मानते आए हैं उनमें साक्षरता के प्रति एक सहज स्वाभाविक रुचि पैदा करना। देखिए, किताबें आपसे बातें करना चाहती है, लेकिन आप किताबों की बातें नहीं सुनना चाहते। क्या करती है? बातें। किताबें करती है बातें, बीते जमानों की। किताबें करती है बातें, बीते जमानों की। आज की कल की, एक एक पल की। आज की कल की, एक एक पल की। खुशी की गमों की, फूलों की बहों की। खुशियों की गमों की, फूलों की बहों की। जीत की हार की, प्यार की। तो हमने जिला सिरमौर में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एक जत्था निकाला था, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छा कार्यक्रम जिला सिरमौर में ही हुआ था। हमने कोई 109 स्थानों पर उसके कार्यक्रम दिए, और जिसमें 950 किलोमीटर एरिया हमने उस समय तय किया, जिसमें 500 किलोमीटर के लगभग हमने पैदल चलकर उसको तय किया। तो उस समय जो उस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता सिरमौर के लिए थी, सिरमौर में नुक्कड़ नाटकों का एक पहला किस्म का एक कार्यक्रम था। इससे पहले इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक सिरमौर में नहीं होते थे, तो उसमें लोगों ने काफी इसमें सहयोग दिया। देखते देखते सिरमौर की हवा बदलने लगी, लोगों में उत्सुकता जगी, जैसे कोई नई बात होने जा रही हो। इसी के साथ साक्षरता कक्षाएं भी लगी, लोगों में स्लेट और खड़िया बांटी गई, ज्ञान और मनोरंजन के कार्यक्रम साथ साथ चले। ये ध्यान रखा गया कि साक्षरता उबाऊ ना बने और मनोरंजन कोरा हंसी मजाक ना हो। इसका भी ख्याल रखा गया कि साक्षरता कक्षाएं लोगों के रोजमर्रा के कामकाज में बाधक ना बने, बल्कि उन्हें अपना काम अधिक उत्साह और कुशलता से करना सिखाएं। पढ़ने का यहाँ साक्षर तो आड़े आए, फिर उसने उनने बताया कि आपको पढ़ना लिखना भी जरूरी चाहिए, और आप पढ़े लिखे आदमी हो गए तो आपने बाल बच्चे भी पढ़ा सकते है। और पढ़े लिखे आदमी होते भी ठीक है, जो अनपढ़ है उनमें कोई समझ नहीं होती। हमने पहली बार गई मैं तो वहाँ पे निरीक्षर, पहले तो किसी ने हाँ नहीं की पढ़ने के लिए कि हम नहीं पढ़ेंगे। फिर मैंने उनको बहुत समझाया, अपनी मम्मी को भी, कि नहीं पढ़ना चाहिए और पढ़ने से हमें बहुत वो मिलेगा, मतलब तुम घर में ना खुद पढ़ सकोगी, और कोई भी लेटर चिट्ठी वगैरह आएगी तो तुम अपने घर में खुद पढ़ोगी। और उसके बाद वो सब मान गए कि हम पढ़ेंगे, तो हमने उनको स्लेट वगैरह दिए। पहले तो हमने ऐसे सिखाया उनको गाने को, उससे ऐसे नहीं, मतलब हमने पहले उनको ज़्यादा वो नहीं किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया उनको, और उससे वो अब सीख गए, मतलब सीखने लग गए, सब कुछ पढ़ रहे हैं, और अब थोड़ा थोड़ा अपना नाम वगैरह लिख लेते हैं। मतलब गौर हम ना तो सर बहुत खिड़कियों खोलो, मतलब गौर ना। सिरमौर की जिला साक्षरता समिति का ढांचा भी इस तरह बनाया गया कि समाज और प्रशासन के सभी स्तरों पर लोग पूरी जिम्मेदारी महसूस करें। इसके पूरी तरह विकेंद्रित और लोकतांत्रिक ढांचे के कारण साक्षरता में आम आदमी की भागीदारी बढ़ी। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें कि सरकार ही
या प्रशासन अकेले कुछ नहीं कर सकता। इस कार्यक्रम के लिए सभी एजेंसियों को साथ लेना बहुत जरूरी था। जहां प्रशासन इसके लिए एक प्रशासनिक ढांचा दे सकता था, वहां एनजीओ जो हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, वॉलंटरी एजेंसी, उनको साथ लेकर लोगों में चेतना पैदा करना, लोगों को इसके बारे में प्रोत्साहन देना, तैयार करना, वो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। इसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि सिरमौर जिला के लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग दिया। विशेषकर हिमाचल प्रदेश ज्ञान विज्ञान समिति ने और उनके जो जहां जिले के अधिकारी थे, स्टेट लेवल की टीम थी, उन लोगों ने पूरा सहयोग दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि वो इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी थे। सबसे आगे आई महिलाएं, यहाँ साक्षरता की सफलता का काफी श्रेय उन्हीं को जाता है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि महिलाएं ही पहाड़ के जीवन की धुरी हैं और वे पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रही हैं। उनकी पहल से पता चला कि उनके भीतर पढ़ने, जानने और सीखने की जबरदस्त इच्छा थी। साक्षरता कक्षाओं में उन्होंने सबसे पहले वे शब्द सीखे जो उनकी दिनचर्या के सबसे निकट थे, जैसे वन और हवा। जंगल से भारी बोझ ढोकर लाने वाली इन महिलाओं के लिए अक्षर सीखना कोई बोझ नहीं बना। जब भी फुर्सत मिलती है वे साक्षरता कक्षाओं में जाती हैं। उम्र की ढलान से उतरते हुए वृद्धों के लिए भी ये एक नया जीवन है। बच्चे जिस उत्साह के साथ अपने खिलौनों से खेलते हैं, उसी तरह वे भी किताब पढ़ते हैं। बिजली ना हो तो ना सही, लैंप की धीमी रोशनी में अक्षरों का उजाला उन तक पहुंचता है। इनमें मूक बधिर व्यक्ति भी हैं जिन्हें प्रकृति ने वाणी से वंचित कर दिया, लेकिन साक्षरता अभियान ने उन्हें शब्द दिए हैं। ये जो है ना, इनको ना सुनाई देता ना बोल सकते ठीक से मुंह से, तो ये आवाज पहचानते हैं, मुंह से, ओंठों से पहचानते हैं ये क्या बोल रहा है। इस समय किसी भी आदमी से बात सुननी हो इन्होंने कोई भी, तो ये वैसे तो बोल नहीं सकते। तो इसी तरह पढ़ाई में भी इन्होंने शौक रखा। जब ये साक्षरता अभियान चला तो नुक्कड़ नाटक, कई प्रोग्राम दिखाए, तो उन्होंने सोचा भाई क्या है, ये पूछते रहे लोगों से भाई क्या हो रहा है। तो इसमें जब इनको पता लगा भाई ये पढ़ाई चल रही है, तो इनको भी शौक हुआ, तो इनका नाम भी लिख दिया हमने, तो इन्होंने पढ़ाई भी की। यहाँ साक्षरता अलादीन के जादुई चिराग की तरह साबित हुई है। बहुत फायदा मेरे, वो भाई भी नौकरी में, सब नौकरी में, कोई पत्ता लावे मुझे दूसरे कलेक्टर के पास जाऊं भाई इसको पढ़ के सुना दो। मन ये मेरे में इतना दिमाग आया, जब बच्चे उड़े पूरे नौकरी में लगे हैं, फिर मैं अपने आप से कुछ नहीं जानती, चार और सीख लूंगी तो आधा जाए। हिमाचल प्रदेश का एक और जिला बिलासपुर, आदमी और अक्षर को जोड़ने वाला एक पुल यहां भी बना है। यहां सिरमौर के एक साल बाद 1992 में साक्षरता अभियान शुरू हुआ। यहां अभियान का ढांचा सिरमौर से थोड़ा सा अलग है, इसकी बागडोर जिला प्रशासन के हाथ में है। जिला साक्षरता समिति का डीसी अध्यक्ष होता है, इस वजह से, और डीसी का जो रोल है वो बहुत ही अहम है। वो डीसी हर एक जिला साक्षरता के सारे कार्यक्रम्स को कोऑर्डिनेट करता है और सारे गवर्नमेंट मशीनरी को जिला साक्षरता कार्यक्रम के साथ जोड़ रखा है, और डीसी के लेवल पर ही जिला के सारे साक्षरता कार्यक्रम का मॉनिटरिंग किया जाता है। May 1992 में जो था एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी NLM की, उसने ये प्रोजेक्ट थ्रू किया। उसके बाद यहाँ पर सब कमेटीज फॉर्म की गई, चार सब कमेटीज फॉर्म की गई, और देर आफ्टर तीन कला जत्था की भी वर्कशॉप की गई, और वो कला जत्था जो था
कोई 105 प्लेसेस में सारे जिला बिलासपुर में घुमाया गया। बिलासपुर में भी महिलाओं ने ही पहल की। यहाँ अनपढ़ महिलाओं की संख्या भी सबसे अधिक थी। काम में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था क्योंकि हमारी गांव की महिलाएं ज़्यादा निरक्षर हैं, तो मेरी शुरू से मैं सोचती थी कि जैसे हम लोग लड़कियां आगे आएंगी और हम महिलाओं को आगे करेंगी, बच्चियों को ऐसा बोलेंगे कि पढ़ो, माँ बाप को तैयार करेंगे कि पढ़ो, पढ़ाओ अपनी बच्चियों को, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं गाँव की रहने वाली हूँ और हमारे गाँव में मैक्सिमम जो लड़कियाँ हैं वो अनपढ़ हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, MA MED हूँ मैं, तो इस मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, स्कूल में अध्यापिका भी हूँ, तो क्यों ना मैं लोगों को भी तैयार करूँ कि वो भी साक्षरता में, साक्षरता के अंतर्गत पढ़े। इसलिए मैंने लोगों को तैयार भी किया है, मैं गांव-गांव गई हूँ, लोगों के साथ मिली हूँ, महिलाओं के साथ मैंने बातें की हैं और मैंने उनको कहा कि ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि महिलाएँ हमारी जागृत होंगी, समाज हमारा जागृत होगा। गाँवों में जब स्लेट और खड़िया बांटी गई तो कुछ लोगों के मन में संदेह उठे। यहाँ पहले सरकारी प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चला जो कागजी खानापूरी से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस बार मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित अक्षर सैनिकों की बात में लोगों को सच्चाई और निष्ठा दिखाई दी। धीरे धीरे वे एकजुट हुए। कई महिलाएं साक्षरता कक्षाओं में इसलिए आईं कि उन पर अंगूठा छाप या निरी बुद्धू होने का जो ठप्पा लगा था वो मिट सके। कुछ इसलिए आईं कि अपने पतियों को बता सकें कि वे हिसाब किताब करना जानती हैं। कुछ ये सोचकर शामिल हुईं कि परदेश गए अपने पतियों को चिट्ठियां लिख सकेंगी और उनकी चिट्ठियां पढ़ सकेंगी। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि अनेक परिवारों के पुरुष सदस्यों ने महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित किया। पक्की करवाती है, गलियों में रोशनी भी तो चाहिए, यह काम भी पंचायत का है। साक्षरता मेलों में भी बहुत लोग आए, सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार दिए गए। कमला देवी गांव गतवार। पुरानी कहावत है कि हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। सिरमौर और बिलासपुर में भारत ज्ञान विज्ञान समिति और जिला प्रशासन ने पहला कदम रखकर जो यात्रा शुरू की थी वो आज भी जारी है और तब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ का जन जन पढ़ने लिखने में सक्षम ना हो जाए। ये एक जीवित प्रक्रिया है, ये सड़क या इमारत बनाने जैसा काम नहीं है जिसके पूरा होते ही मजदूर कहीं और चल दें। इसकी सार्थकता तभी है जब संपूर्ण साक्षरता हासिल करने के बाद लोग
जीवन में उसका उपयोग और विकास करते रहें। सिरमौर में गैर सरकारी स्तर पर और बिलासपुर में सरकारी स्तर पर चलाए गए कार्यक्रमों को मिलाकर देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। दोनों जिलों में सरकारी और गैर सरकारी ढांचों के आपसी तालमेल के कारण ही ये हुआ कि जनशिक्षा एक तरह के जनउत्सव में बदल सकी। किसी भी सामाजिक जन आंदोलन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसने कितने व्यापक समाज को अपने साथ लिया, उसकी क्षमता का कैसा उपयोग किया और उसे किस हद तक जागरूक और स्वतंत्र बनाया। असली शक्ति जनता की ही होती है और सामाजिक आंदोलन उस शक्ति को सक्रिय करने की भूमिका निभाते हैं। ये काम सरकारी स्तर पर तभी हो सकता है जब जनता के बीच से उभरे संगठनों के साथ उसका अच्छा तालमेल हो और फिर दोनों का जनता से सच्चा लगाव हो। जिला प्रशासन के पास साधन और सुविधाएं स्वैच्छिक संगठनों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। जन सेवा की भावना रखने वाले अधिकारी इस काम में उत्साह से आगे आते हैं, लेकिन सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते। उन्हें सरकारी कामकाज के बीच से फुर्सत निकालनी होती है। जाहिर है कि ऐसे कर्मचारी, अधिकारी और अध्यापक पूरा समय नहीं दे पाते। कई लोगों का ख्याल है कि अधिकारियों के तबादलों के कारण साक्षरता अभियान में बाधा पहुंचती है। एक अधिकारी के तबादले के बाद जो नया व्यक्ति आता है उसे समस्याओं को समझने में ही काफी समय लग जाता है। हमारे साक्षरता अभियान में एक जो सबसे बड़ा कमी रही है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड से, वो इस प्रकार से रही है कि जैसे ही हमारे जितने उच्च अधिकारी अध्यक्ष जी, जैसे अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, ये जिस प्रकार से वर्क करते हैं, जब ठीक ढंग से काम चलाया होता है, इन बिटवीन उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये बार बार ऐसा होता रहा है, जिससे जो है थोड़ा सा मुहिम में कुछ गति जो थी वो थोड़ी सी रुक जाती है। तो ये अगर इस बात से सरकार की तरफ से कि जो इस मुहिम में जुड़े हैं उनको हिलाया न जाए, उनकी वर्किंग जो है, तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम और भी ज़्यादा सफल हो सकता है। दूसरी तरफ स्वैच्छिक संगठन लंबे समय तक एक जगह रहकर पूरी लगन से काम कर सकते हैं। उनके कार्यकर्ता आम लोगों के बीच उन्हीं के जैसा जीवन जीते हैं। वे स्थानीय जनता का ऐसा संगठन भी बना सकते हैं जो बाद में साक्षरता की मशाल जलाए रखे। जन साधारण से रिश्ता बनाने में सरकारी तंत्र की कुछ सीमाएं हैं, पर जन संगठन लोगों के सुख दुख और सपनों में आसानी से साझेदार हो जाते हैं। इसीलिए गैर सरकारी संगठन ज्यादा कारगर साबित हुए हैं, लेकिन उनकी समस्याएं भी कम नहीं हैं। उनके पास वे सुविधाएं और साधन नहीं हैं जो सरकारी तंत्र के पास हैं। उनका ढांचा भी बहुत संगठित नहीं है और प्रशासन का सहयोग समर्थन मिलना अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर जन संगठनों को प्रशासन का सक्रिय सहयोग समर्थन मिलता रहे तो साक्षरता अभियान जल्दी ही अपनी मंजिल पा सकता है। सच बात यह है कि साक्षरता मिशन की जरूरत ही इसलिए हुई कि ज्यादातर लोगों को बचपन में शिक्षा नहीं मिल सकी। एक दिन जब समाज में शिक्षा का अभाव नहीं होगा, साक्षरता जैसे अभियान की जरूरत नहीं रहेगी। शिक्षा उस पेड़ की तरह है, जिसके पौधे को शुरू से ही सही वातावरण मिले तो वो सदाबहार और फलदार पेड़ बन सकता है। प्रौढ़ शिक्षा अभियान सभी बच्चों को स्कूल भेजने के माहौल का निर्माण भी करता है। दोनों स्तरों पर एक साथ काम करके ही हम संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। Oh, yeah.
बाजू में है।